उत्तर सही है क्योंकि दोनों क्लियर हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में अब हम अलग अलग एक विचलन धनात्मक एक विचलन ऋणात्मक हो, जैसे मैंने यहां लिखा 97 मल्टीप्लाई बाई 120, यहां 120 जो है हमने किया 123, दोनों संख्याएं हमने का आधार किसके समीप की हैं? दोनों संख्याएं आधार 100 के समीप हैं, 100 के आसपास की संख्याएं हैं दोनों, और दोनों संख्याएं जब बेस इनका दोनों का 100 है, तो यहां हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, संख्याओं को यहां लिखने का क्रम हम यहां विचलन लिखते, या तो हम यही लिख रहे 97 में से 100 घटाया तो ऋण का 03, और 123 में से 100 घटाया 23 धन का 3, 23 हो गया। तो ये हमने विचलन यही लिख दिया। अब यहाँ उत्तर में अगला प्रश्न जो हम हल करेंगे इसको, तो हल करने में एक संख्या दूसरे का विचलन, 97 में 23 जोड़ा, सीधा 97 में 23 जोड़ा तो सीधा कितना हो गया 120, और 123 में से 03 घटा दीजिए तो भी 120 है। अब यहाँ दाएं भाग में हम दोनों का गुणा करके, यहाँ हमने 23 दिया 69, कितना लिखा 69, दोनों ही ऋणात्मक हो गए, तो इसको हम ऋण 69 को हम ऊपर ऋण चिन्ह लगा देते हैं इनके ऊपर, और 120 6 के ऊपर रेखांक, 9 के ऊपर रेखांक। अब हम इसे साधारण संख्या में, साधारण निखलम नौतस चरमम दस्ता, सूत्र निखिलम नौतस चरमम दशतः, निखिलम नौतस चरमम दशता से अर्थ है निखिल अंकों को जो है हम 9 से और चरम अंक को 10 से। निखिलम नौतस चरमम दशता सूत्र का सूत्र है निखिलम नौतस चरमम दशता के प्रयोग से अब हम इसे साधारण संख्या में बदलते हैं। तो साधारण संख्या में बदलने के लिए हमने देखा यहाँ लगातार 2 पे रेखांक है, 9 पे है और 6 पे है, तो इनमें हम निखिलम नौतस चरमम दशता में जब हम साधारण संख्या में बदलते हैं तो पहले अंक 9 को हम 10 से 10 को जोड़ा इसमें और इसमें 9 जोड़ा, अगला लगातार रेखांक है तो पहले में 10 और दूसरे ऋणात्मक चिन्ह में 9, जितने भी हैं लगातार रेखांक वाले उनमें सब में 9-9 जोड़ेंगे, और बाएं वाला जो अंक होगा उसमें से फिर हम क्या करते हैं एक कम कर देते हैं। जब हम इसको साधारण संख्या में बदलते हैं तो उसमें से हम एक कम करते हैं, जैसे यहां हमने देखा तो इसमें हमने एक कम किया, एक कम करेंगे तो एक कम करने की स्थिति में यहां हमने देखा इसको हम बदल रहे हैं सूत्र से 1 2 0 रेखांक 6 रेखांक 9 को साधारण संख्या में, साधारण संख्या में क्या लिखेंगे हम इसमें से 10 जोड़ा तो यहां क्या आया 1, यहां 9 जोड़ा तो यहां 3, यहां से एक कम कर दीजिए बाएं अंक में 0 है तो यहां से 1 लीजिए उधर तो 10 हो जाए, 10 में से 1 कम कर दिया सो 9 हो गया, और यहां कितना हो गया 2 से 1 गया था 11931 उत्तर हो गया आपका। अब आप देखेंगे 11931 उत्तर है, उत्तर आपका सही है, इनका बीजांक 7 है, इसका बीजांक 6 है, 42 का बीजांक जो है कितना हुआ 4 × 2 = 6 हुआ। अब देखिए क्या इसका बीजांक भी 6 हो रहा है, 1 और 1 = 2, 3 = 2 = 5 और 1 = 6 उत्तर सही है। यहाँ हमने टैली किया, पहली संख्या का बीजांक हमने लिखा यहाँ 7, दूसरी का बीजांक लिखा 6, 7 × 42 का बीजांक 4 × 2 = 6 हो गया, और उत्तर का बीजांक भी हमने देखा 1 और 1 = 2, 3 = 5 और 1 = 6, 9 को तो हम शून्य मान के छोड़ दें या जोड़ दें, 9 को जोड़ते हैं 6 × 9 = 15 हो जाएगा, फिर 1 × 5 जो है 6 होगा, और अगर हम छोड़ देते हैं तो 1 1 2 3 5 और 1 6 तब भी 6 हुआ, दोनों के उत्तर सही मिल रहा है। इसका गुणनफल का बीजांक उत्तर का बीजांक दोनों सही है, उत्तर सही है। अब हमने उत्तर सही है,
तो पहला काम हमने नंबर एक स्टेप में क्या किया, दोनों संख्याओं का आधार 100 है, दोनों संख्याओं का आधार 100 है, दोनों संख्याओं का आधार कितना है, 100 है। दूसरे में, दूसरे स्टेप में पहली संख्या का विचलन ऋणात्मक एवं दूसरी संख्या का 100 को विचलन को इससे घटा करके पहली संख्या का विचलन एवं दूसरी संख्या, पहली संख्या का विचलन ऋणात्मक, दूसरी संख्या का विचलन धनात्मक है, पहली संख्या का विचलन ऋणात्मक, शून्य 3 है एवं दूसरी संख्या का विचलन धनात्मक 23 है। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उत्तर का बायां भाग यहां हमने एक संख्या दूसरे का विचलन, पहली संख्या 97 23, यहां हमने पहली संख्या दूसरे का विचलन बराबर 120 या दूसरी संख्या 123 धन ऋण का 03 बराबर में 120 या 100 धन ऋण का 03 धन का 23 बराबर 120। इन में से तीन में से किसी प्रकार से भी, और चौथे में उत्तर का हमने निकाला, यहां हमने उत्तर का बायां भाग निकाला, दायां भाग हो गया हमारा, दायां भाग में विचलनों का गुणनफल ऋण का 03 गुणे 23 बराबर ऋण का 6 इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, रेखांक ऊपर लगा के, ऋण 69 को हम 6 के ऊपर रेखांक, 9 के ऊपर रेखांक लगा के संख्या को इस तरह से लिख लेते हैं। और उत्तर हमारा ये हमने चेक करके आपको बताया कि निखिलम लोतस चरमम दस्ता सूत्र से हमने इसको साधारण संख्या में बदल दिया। शेष चीजें अब हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से इन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, और सब तरह का हमने बता दिया, धनात्मक ऋणात्मक दोनों एक जैसे हो, दोनों धनात्मक हो विचलन, दोनों ऋणात्मक हो एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, सब तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अतः अब आप इसे समझिए और आगे करने का प्रयास करिएगा, सीखिएगा। धन्यवाद।